जब मैं स्कूल में जाती थी तब हमेशा रास्ते पे एक पुरुष अपने शरीर पर चाबुक के फटके लगाते हुए और एक औरत कड़ी धूप में भी अपने सिर पे मंदिर लेके चलती हुई नजर आती थी। तब मेरे मन में ख्याल आता था, ये लोग हमेशा ऐसे क्यों फिरते हैं? ये क्यों अपने शरीर पर चाबुक के फटके लगाते हैं? इतने कड़ी धूप में भी ये औरत क्यों अपने सिर पे ये मंदिर लेती है? ऐसे ही लोग हैं महाराष्ट्र राज्य के वीर गांव में। वो भटके जात जमात में से ही उनकी देवल वाली जात है। चलिए आज जरा झांक के देखते हैं उनके जिंदगी में। ये लोग हमारे वल्ले गांव से 25 किलोमीटर अंतर में जो वीर गांव है वहाँ रहते हैं। आमची काय नसते, आम्ही असं फिरतो फिरतो आमचे जीव चाललं। आमचे पोराय बाळांचे काय गावा जातो का मला पोटाला मिळतं थोडा भाग, धान्य धुन्या मिळतो, 50-60 रुपये मिळतो। आज वहाँ 70 कुटुंब है और छोटे बड़े बच्चे जो भी है वो सब अनपढ़ ही है। पता नहीं आज इनकी तो जिंदगी चली गई, मगर अब क्या इनके बच्चे भी ऐसे ही अनपढ़ रहकर गांव भर में मांग कर ही पेट भरेंगे? काय शिक्षण ना काय ना, मोठा जवानी पोरा झाले अजून तसंच फिरतात। असं एक आमचा व्यवसाय, आम्ही भीक मागून दिवस काढले, आमचे मुले काही काढू शकणार नाही। ये जो जमात है वो शिक्षा और परिवार नियोजन से बिछड़ी हुई है। ना तो इनके किसी के पास रेशन कार्ड है और न ही इलेक्शन कार्ड है। इनके जनसंख्या में कोई गिनती ही नहीं है। लोग जो चाबुक अपने शरीर पर मारते हैं उसका वजन 10 किलो होता है और औरत जो मंदिर सिर पे लेती है वो भी बहुत ही भारी होता है। इससे उनके शरीर की बहुत जीज होती है और उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता। तर फिरून फिरून कटुळून गेलो, आई माई बाप मला काहीतरी माझ्या मुलांची हालत चाललेली आहे, माझी पण हालत चाललेली आहे, मला काहीतरी कुठे जागा तरी, नाहीतर मला कुठेतरी काही शेर पसा जर मिळलो तरी माझी मुलांची अवस्थी होईल, नाहीतर आम्ही आम्हाला नेऊन फाशी दिले तर हरकत नाही, पण आम्ही जगो कशावर? तुम्ही माझी माई बाप माझी पुण्य करा आणि आम्हाला काहीतरी सोयी करा गरीबांची। ये जो अपने शरीर पर चाबुक के फटके लगाते हैं, ये दृश्य तो बहुत ही असहनीय होता है और ये मानवता के विरुद्ध है। मैं चाहती हूँ ये जो जमात है, ये जो लोग है, वो अपने चाबुक मारने के काम से बाहर निकले। ये तब भी संभव होगा जब हम सब मिलकर और सरकार भी इनकी ओर ध्यान दे। आखिर ये भी भारतीय जनता का ही एक भाग है। मैं रोहिणी पवार, महाराष्ट्र राज्य के वीर गांव से, इंडिया अनर्ड के लिए।